हेलो एवरीवन, आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे महिंद्रा जीवो 245 Ti में कुनाइल्ट कितना लगता है, कितना लीटर कुनाइल्ट में कितना लीटर पानी मिलाएंगे उसके बारे में, और कितना जो है रेडी वाटर के अंदर कुनाइल्ट लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं आप लोग को, एक लीटर कुनाइल्ट में 5 लीटर पानी डिस्टिल वाटर लगता है। डिस्टिल वाटर लगने के बाद उसमें क्या होता है, तो इसके अंदर डालना पड़ता है मिला करके, कोई कटोरा में जो है इसको मिला लीजिए, इसके बाद इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो डाल करके ऐसा नहीं कि एक दिन डाल देंगे इसके बाद छोड़ देंगे, तो वो तो बेकार हो जाएगा आपका, क्योंकि जो है फिर भी इंजन जो है हीट करेगा। क्यों हीट करेगा, तो इसके अंदर जो है पूरा अंदर में जो है पूरा फिक्स नहीं होता है कि जो है पूरा भर जाता है, छोटा छोटा जो है लाइनिंग रहता है। आप लोग को दिखा देता हूँ, इसके बाद हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा रेडी वाटर, ये रहा रेडी वाटर। इसमें जो है देख सकते हो कि छोटा छोटा लाइनिंग बना हुआ है, ये लाइनिंग जो है जलेबी की तरह है। तो उसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके रहता है पानी, और इसमें जो है ज़्यादा पानी रहता है। इसके अंदर डाल दो पानी जितना भी आपका जो है ना, ये वीडियो में तो पता चल जाएगा जो कितना जो है कि कितना लीटर जो है ना पानी मिलता है एक लीटर कुनाइल्ट में। तो देखिए, इसमें जो है ना लाइनिंग में जो है तो थोड़ा थोड़ा करके जाता है। तो एक बार क्या कीजिए, तो इसको फुल कर दीजिए पूरे, यहाँ से डाल के यहाँ से डालिए कुनाइल्ट को, और इसके बाद जो है ये इसमें जो फुल हो जाएगा। फुल होने के बाद और एक जगह उस साइड से दिखा देता हूँ आप लोग को, इस साइड ये देखिए, यहाँ पे ये डब्बा दिया रहता है जो एक्स्ट्रा वाला। ट्रैक्टर जब चलता है तो हीट होता है, हीट होने के बाद जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है पानी जलता है। जलने के बाद जो है क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम यहाँ पे है, यहाँ तक जो है इसके अंदर डालिए वाटर को, वो कुनाइट वाले में 5 लीटर में जो है पूरा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ तक डालिए, यहाँ तक डालने के बाद जो है ना कुछ होता है, यहाँ से लगा हुआ है उस साइड से, तो उस तरीके से जो है इससे ऊपर से हो करके इसमें जब गैस बनता है, तो गैस बनने के बाद रेडी वाटर में गैस बनने के बाद जो है ये ऊपर से इसके अंदर जाता है। इसके अंदर जो है 2 दिन तक आपको चेक करना पड़ेगा, चेक कर करके डालना पड़ेगा इसके अंदर जो है कि मेरा पानी घट रहा है या नहीं घट रहा है, यानी कि इसके अंदर सॉलिड जो है ना भरता नहीं है पूरा, इस रेडी वाटर के अंदर जो है पूरा भरता नहीं है। तो इसीलिए जो है ना चेक करते रहिए आप, 2 दिन तक जो है चेक करिए। तो यानी कि रात में ये जब पूरा दिन चल रहा है तो कोई जो है ना इसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है ना इसके अंदर गैस बनता है। गैस बनने के बाद जो है इसमें चलने के बाद जो है इसको खोलोगे तो ऊपर की तरफ जो है पूरा पानी जो है बाहर निकल जाएगा। तो रात में छोड़ दीजिए, पूरा दिन चलाइए, रात में छोड़ दीजिए, और सुबह में जो है इसको चेक कर लीजिए पानी घटा है तो वो पानी जो है जितना बचा हुआ है तो उसको जो है ना डालते रहिए इसके अंदर। जब पूरा जो है 2 दिन तक डालते रहोगे ऐसे चेक करके, तो देखिए इसमें पानी जो है 1 लीटर कुनाइल्ट, यानी कि कोई भी कंपनी का लीजिए, जैसे कि बॉस को हुआ, बॉस को जो है हम इसमें कुनाइल्ट डालते हैं, क्योंकि एक ही बार हम जब से 3 साल में एक बार जो है इसको यूज किया है, वो रेड वाटर के अंदर जो है कुनाइल्ट डाले हैं एक ही बार, तो एक बार डाले हैं। इसके बाद जो है हम इसमें डाले हैं तो बॉस कंपनी का डाले, बॉस कंपनी का जो है बहुत मस्त होता है, तो बॉस कंपनी का मिल रहा है तो बॉस कंपनी का या अदर कोई कंपनी का ले लीजिए और वो डालिए। 1 लीटर कुनाइल्ट में आपको पानी 5 लीटर जो है डिस्टिल वाटर देगा, साथ में आप लोगे डिस्टिल वाटर या तो कल का भी पानी मिला सकते हो, जैसे कि बोरिंग का हुआ वो भी मिला सकते हो, पर जो है ना उसमें जो क्या होता है कि कदे जो है ना कदे लग जाता है, थोड़ा दिन के बाद जो है इसके अंदर कदेपन आता है। तो इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप लीजिए उसको, तो वो पानी डिस्टिल वाटर डालिए, तो आप लोग देख लोगे स्क्रीनशॉट पे हम दिखा देंगे जो कितना बड़ा रहता है कैन। तो इतना बड़ा कैन रहता है, उसको जो है 5 लीटर रहता है, उसमें 5 लीटर जो है 5 लीटर में 1 लीटर कुनाइल्ट डालिए, बस इतना ही रहता है। एक भाई का कमेंट था जो कल या परसों जो है कमेंट किया था जो कुनाइल्ट कितना लगता है महिंद्रा जीवो में, इसलिए मुझे जो है वीडियो बनाना पड़ा। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आप लोग को जो है हर एक चीज़ जो है समझ में आ गया हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक मेरा नया न्यू चैनल है शमशेद ब्लॉग, तो उसको भी फॉलो कीजिए आप लोग, उस पर जो है अपने लाइफ का चीज़ें जो है एक्सप्लेन करता हूँ उस चैनल पे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।